हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 को क्रैक करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट का होने वाला है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीट देख लिया तो आपका सिलेक्शन 99% श्योर हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर गलती की बात करने वाले हैं जिसको करके मेजॉरिटी आप स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सोचे भी नहीं होंगे कितने कम से कम क्वेश्चन कर करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई बच्चा 30 क्वेश्चन भी सही सही कर दे तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कैसे, क्या रीज़न है इसके पीछे, स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक की बात करने चल रहा हूं, यूपी स्टेट की बात करने चल रहा हूं। ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके पेपर में टोटल क्वेश्चंस की, ध्यान दो, अगर हम आपके पेपर में टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो मैथ्स के होते हैं और 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइंस के होते हैं। इस साइंस में 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, ऐसा आपको पता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ईच क्वेश्चन ठीक है कंटेन्स 4 मार्क्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का होता है। इसका मतलब अगर हम मैक्सिमम मार्क की बात करें आपके एग्जाम की तो कितना होगा, 100 × 4, दैट मीन्स 400 मार्क्स। ध्यान से सुन तो चलो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका वो कितना है, 400 मार्क्स है। इसका मतलब आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स का होगा। अब सबसे खास बात, जहां स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, सबसे पहले तो आप ये सोच करके बैठ जाते हो कि कितना क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन होगा, तो मेजॉरिटी आपको बताती है कि 50 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए। देखने में भी लगता है यार कि 50% क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। मेजॉरिटी लोग बताते हैं कि भैया 70 क्वेश्चन के ऊपर करके नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद जॉब कर रहे हैं, बात समझ में आ रही, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करके बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी अवेलेबल है। इसलिए ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अब इसमें खास बात क्या होती है जहां पे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जरा नोट करो। पहली चीज आपको नोट ये रखना है कि आपके यहां माइनस मार्किंग होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? माइनस मार्किंग होती है। अब इस माइनस मार्किंग के कंसेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेजॉरिटी आप स्टूडेंट्स इस माइनस मार्किंग के कंसेप्ट को ध्यान से नहीं समझ पाते हैं और इसी के कारण वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, जबकि वो कर चुके होते हैं उसके बाद उनका माइनस हो जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, जितना आप समझते हैं माइनस का मतलब ना उतना ही नहीं होता। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 5 नंबर कट जाते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो कैसे, जो माइनस मार्किंग होती है डियर स्टूडेंट्स वो 25% होती है, R 1/4 कह सकते हैं, R इसको आप 1 मार्क्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 मार्क्स कह सकते हैं। क्यों 1 मार्क्स हमने बोल दिया सर? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। अब इसका 25% निकालेंगे तो 1 मार्क्स होगा। तो ये अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलता है? 4 मार्क्स मिलता है। और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो उस सिचुएशन में आपको माइनस वन मार्क्स मिलता है। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि कैसे 5 नंबर माइनस हो गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपके मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, जरा ध्यान से समझिए। सपोज करो कोई बच्चा है जो 50 क्वेश्चन करके एग्जाम में आया है, ध्यान से समझो सभी लोग, 50 क्वेश्चन वो एग्जाम में कर करके आया है,
ठीक ना। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस उसके करेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट होंगे। कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर पाएगा? सपोज करो इसमें से उसके 40 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं, माने सही है, और 10 क्वेश्चन जो हैं उसको रॉन्ग, उसका रॉन्ग है, तो उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे ज़रा देखो ध्यान से। उसको जो 40 क्वेश्चन सही किया उसको 4 नंबर के हिसाब से 160 मार्क्स हो गया। 10 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसके हिसाब से -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 150 मार्क्स उसके हो जाएंगे। अब आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए, इस अगर उस बच्चे को 40 क्वेश्चन आ रहा था तो उसको 40 क्वेश्चन करके ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर वो करके छोड़ देता तो उसको कितना नंबर मिलता मुझे बता दो, 160 नंबर मिलता। कितना नंबर मिलता? 160 नंबर मिलता। अगर उसने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया उसका कितना नंबर हो गया? 150 नंबर हो गया। आपको बता दें इस 10 नंबर पे आपसे कम से कम 10,000-20,000 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ से मिल पाएगा? समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बात यह कि 5 नंबर कैसे माइनस होता है, इसको ज़रा सुन लो आप लोग। जिस क्वेश्चन को आप करते हो पूरी उम्मीद से यही करते हो कि सर ये मेरा सही होगा, तो 4 नंबर तो आप सोच रहे थे कि इस पे हम पाएंगे, लेकिन 4 नंबर ना पार करके -1 नंबर पा जाते हो, तो आपको 1 नंबर का घाटा भी है, 4 नंबर जो चाहते थे वो भी नहीं मिला, तो कुल मिला के 5 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा 30 क्वेश्चन भी करके आता है तो उसका 120 नंबर हो जाता है, और इतने पर भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। बस उसको काउंसलिंग में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, अगर वो ध्यान देता है कि तो 30 क्वेश्चन पर भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको हम बताएं, अभी आपका जब रिजल्ट आएगा देखोगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स माइनस में नंबर पाएंगे। दरअसल होता क्या है, मेरी बात को सुनते चलो ध्यान से, होता क्या है कि आपके पास जो समय होता है आपके एग्जाम के लिए वो समय ज़्यादा पड़ जाता है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो मैक्सिमम 1.5 से 1.5 घंटे में लगभग आपका वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जितना आपको आता रहता है। लगभग 50 क्वेश्चंस आप सभी लोग कर ले जाते हैं उतने समय में, जितना समय 1.5 घंटे में लगभग आप लोग कर ले जाते हैं। बाकी जो बचा हुआ समय होता है तो फिर हम लोग अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने भगवान को याद करते हैं और कम से कम 20 क्वेश्चन में तुक्का ज़रूर लगा देते हैं। अब जैसे ही 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा देते हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप सही सही किए थे तो 50 चौका 5 चौक 20 200 नंबर आपका हुआ था, 20 क्वेश्चन आपने तुक्का लगा दिया तो माइनस, यहां पर 20 माइनस हो जाएगा, 180 नंबर हो जाएगा। आप जो 200 नंबर की कैटेगरी में जा रहे थे वो 101 की 180 कैटेगरी में आ गए, और आप कम से कम 10,000 बच्चों से क्या हो गए, पीछे हो गए। तो सबसे बड़ी गलती आपको समझ में आ रही है क्या होती है एंट्रेंस एग्जाम में? सबसे बड़ी गलती होती है तुक्का लगाना। मैं एकदम साफ साफ शब्दों में डियर स्टूडेंट्स कहता हूं कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो केवल और केवल 10 क्वेश्चन कर करके आइएगा और आराम से सो जाइएगा, वहीं अगला क्वेश्चन टच मत करिएगा। 20 क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये मत सोचिएगा यार सिलेक्शन तो होना नहीं है 20 क्वेश्चन पे, इससे अच्छा लाओ कुछ तुक्का ही लगा देते हैं। हो सकता है तुक्का लग ही जाए। तुक्का नहीं लगता है क्यों? आपने एक चैप्टर पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, तो तुक्का लगने का चांस 1/4 माने 25% होता है। 25% पे कौन तुक्का लगाता है यार? मींस अगर आप किसी क्वेश्चन पे तुक्का लगाते हो तो केवल 25% संभावना होती है कि क्वेश्चन सही होगा, 75% संभावना होती है कि क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपका बस आज 25 है 26 27 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। 15 क्वेश्चन आ रहा होगा, 5 क्वेश्चन आ रहा होगा, 5 करके आएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि मेरिट ही बड़ी लो चली जाती है। मान लो पेपर हार्ड बन गया, तो हार्ड सबके लिए बन गया, अगर आप 30 ही क्वेश्चन कर पा रहे होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपका कंपटीटर 80 क्वेश्चन कर पा रहा होगा, हो सकता है वो भी 30 ही क्वेश्चन कर पा रहा हो, लेकिन आप जब तुक्का लगा दिए तो जो पाए थे वो भी चला गया, तो आप अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। तो कुल मिला के असफल होने का एक ही कारण है, तुक्का लगाना। मैं इतना दावे के साथ, इतना तेज, इतना पूरा समझा करके आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी मेजॉरिटी आप स्टूडेंट्स गलती करेंगे, जो करेंगे उनका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमारी बात को ध्यान से सुन लो और मनन चिंतन करके दिमाग में बैठा लो कि 5 क्वेश्चन आ रहा होगा, 5 नहीं, अगर 1 क्वेश्चन आ रहा होगा तो 1 करके आना, कम से कम माइनस में तो नहीं जाओगे, ठीक है ना।
ये बिल्कुल मत सोचना कि फलाने सर ने बताया था कि 60 क्वेश्चन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, मुझे 40 आ रहा है सिलेक्शन तो होना नहीं है, इससे अच्छा लाओ 20 तुक्का मार दें, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आई होप मैं जो समझाना चाह रहा था वो चीज़ आप सभी लोगों को समझा पाया हूँ और आप सभी लोग इस चीज़ से सावधान रहेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। बाकी डियर फ्रेंड देखो मैं पढ़ा बहुत कुछ चुका हूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और बचे हुए समय में आप सभी लोगों को करना क्या है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज सुबह 7 बजे प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा कल से, ठीक है। 2-3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जो है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अभी एक मैंने प्रोवाइड भी कराया था। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी जो पढ़े उसको रिवाइज करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। बाकी डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, काउंसलिंग भी मैं आपकी करवाऊंगा और सिलेक्शन दिलाऊंगा, आप बस इतनी बात को ध्यान रखिए बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।